माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय अन्य गणमान्य के उपस्थिति में हुए शिलान्यास का इस फर्जीवाड़ा का क्या सरकार जांच कर कार्रवाई करना चाहती है? पर्याप्त जमीन नहीं है वहाँ, इसलिए हम और जमीन खोज रहे हैं। कई माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं जो जाके अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम लिखवा के शिलापट लगवा रहे हैं। क्या माननीय विधायक शिलापट नहीं लगा सकते अपने क्षेत्र में क्या? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि 10 अगस्त 2021 को घोसी विधानसभा के ओकरी, उबेर, मसाढ़, लखावर, साहूबिघा, बंधुगंज और जारू अस्पताल का शिलान्यास किया गया था और कहा जा रहा है कि जमीन के अभाव के कारण कार्य शुरू अब तक नहीं हुआ है। मेरा पूरक है महोदय कि जब जमीन ही नहीं है तब शिलान्यास का शिलापट कहाँ लगाया गया था? माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि मेरे जवाब को शब्दशः पढ़ा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। जमीन तो उपलब्ध है ही, मैंने लिखा पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं। जितनी आवश्यकता थी जब निर्माण कार्य शुरू होने गया तो वहां पर शिलान्यास तो जमीन पर ही होता है, जमीन की उपलब्धता पर ही होता है, लेकिन यह कोई आम भवन नहीं होता है जो अस्पताल होता है, उसको एक मानक के अनुरूप बनाना होता है और उस मानक के अनुरूप जो व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं वह देखना होता है। जब वहां कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए, हड़बड़ में हम कहीं कुछ बना दें, कल हो के उपयोग नहीं आया तो सरकार का, जनता का पैसा बर्बाद ना होगा। तो इसलिए डीएम को हमने, जिलाधिकारी जहानाबाद को कहा है कि उस स्थल को चिन्हित कर दिया जाए और इस जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाए ताकि जहां निर्माण जब होगा एक अस्पताल का तो वो लंबे समय तक वहां के समाज की सेवा करता है। तो आनंद फानंद में तुरंत कोई कुछ करने के लिए हम कहीं बनवा दें और कल होके फिर कठिनाई आएगा तो दिक्कत होगी। इसलिए माननीय सदस्य की चिंता जायज है कि पिछले साल इसका शिलान्यास हुआ तो निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन यह तकनीकी दिक्कत आई है और इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लगे हुए हैं, इस काम को करेंगे। महोदय, अति आवश्यक है महोदय, बहुत महत्वपूर्ण पूरक है। महोदय, शिलान्यास का कार्यक्रम वर्चुअल हुआ था। इस कार्यक्रम में पटना में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री शामिल थे। जहानाबाद डीएम के साथ समाहरणालय में मैं शामिल था महोदय। और सच तो यह है कि कहीं जमीन पर शिलापट लगाया ही नहीं गया है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से दूसरा पूरक यह पूछता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय अन्य गणमान्य के उपस्थिति में हुए शिलान्यास का, इस फर्जीवाड़ा का क्या सरकार जांच कर कार्रवाई करना चाहती है? हाँ तो कब तक कार्रवाई करेगी और कब तक कार्य शुरू करेगी? फर्जीवाड़ा का है भाई, योजना स्वीकृत है, राशि स्वीकृत हुई है, निविदा हुआ है, निविदा के बाद कार्य आवंटित हुआ है। उस जमीन, मैंने कहा कि पर्याप्त जमीन नहीं है वहां, इसलिए हम और जमीन खोज रहे हैं। फर्जीवाड़ा तो तब होता कि बिना, सुन लीजिए मेरी बात को सुन लिया जाए। फर्जीवाड़ा तो तब होता जब आप कहते कि भवन बना नहीं, भुगतान हो गया है, और मैं तो क्या किसी भी जमीन पर जाके काम शुरू करा दूं? आप बोलिए, कल हो के आप ही प्रश्न लाइएगा कि जिस, अरे सुन तो लीजिए, अरे उनका पूरा क्या, आप इसमें कैसे उठ गए? इन लोग के समय में आप लोग तो कुछ बनाए नहीं। हमने सभी माननीय सदस्य को बताया था, आप सभी माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग शान से आज अपने अपने क्षेत्र में कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कई माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं जो जाके अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम लिखवा के शिलापट लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही बनवा रहे हैं अस्पताल। मैं नहीं कहना चाहता हूं महबूब साहब, उसमें आपके पार्टी के भी लोग हैं। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, भले आप जाके जिसका फोटो खिंचवाना है करना है कर लीजिए। मेरा मकसद गरीबों की सेवा करना है, इसीलिए तो इस अस्पताल को बनाने का निर्णय लिया गया और इस अस्पताल को बनाने की स्वीकृति हम लोगों ने दी, सारे कार्यक्रम किए हैं। जमीन की यदि तकनीकी दिक्कत, हम सब लोग जानते हैं बिहार में जमीन इतना आसानी से कहीं मिलता है क्या? और यदि दिक्कत है तो उस समस्या को दूर करके परमानेंट समाधान करेंगे, ना कि टेम्पररी कुछ कर दें। ठीक ठीक, अब हो गया। श्री कर्णजीत सिंह और ब्यास सिंह, स्थानांतरित हो क्या है महोदय, कहिए तो। ठीक है, हाँ,
कि माननीय विधायक शिलापट लगाते हैं, तो क्या माननीय विधायक शिलापट नहीं लगा सकते अपने क्षेत्र में क्या? नहीं, मैंने क्या कहा, शिलापट आप अपने से जाके ललित जी लगा लीजिए, अपने विधानसभा में अखिल ललित यादव जी का बोर्ड लगा दीजिए, तो ये तो उचित नहीं होगा ना। जब आप बोर्ड लगेगा भी, मैं तो कहता हूं, मैं तो इस विषय का हूं कि यदि कहीं कोई गलती होती है तो बताइए। मैं तो कहता हूं जहां भी शिलान्यास होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री का रहेगा, विभाग के मंत्री का रहेगा, हमारे माननीय सांसद का रहेगा, माननीय विधायक का रहेगा, प्रभारी मंत्री का, ये तो प्रोटोकॉल है, ये रहेगा। लेकिन सुन लीजिए बात को, लेकिन यदि आप किसी का नाम छोड़कर खाली अपना लगाइए, ये भी तो उचित नहीं है। जवाब तैयार है, चलिए बोलिए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।